हम बनाने जा रहे हैं मेदू बड़ा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कप दाल ले लिया, उसको 5-6 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये ज्यादा हमें पतला नहीं करना है इस पेस्ट को, और एक थिक बैटर बनाना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। आधा चम्मच इसमें ऐड करेंगे जीरा, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, और एक बारीक कटी हरी मिर्च और अदरक, और आधा चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच हींग, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 5-6 मीठी नीम के पत्ते। अब इस बैटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बैटर को हमें अच्छे से फेंटना है ताकि इसमें हवा भर जाए और हमारे जो मेदू वड़ा है वो बिल्कुल फूले हुए और क्रिस्पी बनेंगे। अब इसको बैटर को हम देखते हैं तैयार हुआ है या नहीं। एक कटोरी में पानी लेंगे और उसमें बैटर को डालकर देखेंगे। तो ये बैटर ऊपर फूल कर आ गया है, तो इसका मतलब हमारा बैटर तैयार है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने तेल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और एक एक चम्मच बैटर को हथेली पर रखते हुए इसको गोल गोल करके और बीच में छेद कर देंगे इसको, जिससे कि ये चारों तरफ से सिक जाए। एक दो बार बनाने में थोड़ी कठिनाई होगी, परंतु 2-3 बार बनाएंगे तो ये बन जाएंगे। ये देखिए, ये ऐसे करके धीरे धीरे बना लेंगे हम इसको, और हमें इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसको तलना है। इसके बाद डालने के बाद में हमें गैस की फ्लेम मीडियम करनी है ताकि ये धीरे धीरे सिकते रहें और गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये एक साउथ इंडियन डिश है, इसको हम नारियल की चटनी के साथ, सॉस के साथ भी खा सकते हैं, स्नैक्स में, ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं इसको। चलिए, ये मेदू वड़े तैयार हो चुके हैं। अब इसको निकाल लेते हैं और बाकी का प्रोसेस हम ऐसे ही कर लेंगे। धीरे धीरे इनको ऐसे ही बना लेंगे। ये बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं और बिल्कुल मसालेदार हैं। ये बन चुके हैं मेदू वड़े सारे। अब इसको हम सर्व करते हैं। इसको हम नारियल चटनी के साथ सर्व करेंगे और सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आपको ये कैसी लगी रेसिपी हमें ज़रूर बताएं।